YouTube फैमिली वेलकम टू माय चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मतलब बढ़िया मस्त संग मैं आप लोगों से बात करती हूं फ्रेंड। और अभी शाम का टाइम हो रहा, दीदी बोली कि 5 बजे तक रेडी हो जाना। लेकिन दीदी अभी तक रेडी नहीं हुई है। हम दोनों माँ बेटा रेडी हो चुके हैं। मेरा बेटा देखिए बॉय बन चुका है और हम उसकी गुड मम्मी बनी है, गुड मम्मी। तो फ्रेंड मेरे बच्चा को मुझे ऐसा दिख रहा था, उसका फीवर आ गया थोड़ा सा। और क्या होता है, फीवर है तो आया ना दीदी, उसको शाम में हम ले चलेंगे हेमोपैथी दिखाने। हेमोपैथी फिर से दवाई खाने स्टार्ट करेगा। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे देखना कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं। ब्लॉग वगैरह चल रही है तो पता चल जाएगा। और वैसे भी थंबनेल देख के बहुत लोगों को पता चल गया होगा, तो ब्लॉग वगैरह चलिए निकलते हैं। लाइट बंद कर दी दीदी और लाइट जल गया, तो चलिए अभी निकलते हैं फ्रेंड। अब लोग कंटिन्यू में ब्लॉग को बने रही है। चलो बेटा बंद कर दे ब्लॉग। और मेरे बेटा जिया सब आगे बैठे हैं, वो भी गाड़ी चलाने सीख रहे हैं। बाबू उधर देखो तो ना मम्मी तो चले बने रहे मैं ब्लॉग में भी निकलते हैं। पार्किंग लगाने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये तो मार्केट में कल हम देखते हैं, हम लोग पता कुछ चल गया होती है कौन सा मार्केट है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या लेना नहीं लेना। सीढ़ी के ऊपर दीदी लोग एंटर हो चुके हैं अंदर मॉल के अंदर। एंटर हो चुके हैं यहाँ पे बाबू का आते सब। पहले हमने लिए एक वो जो गर्दन में बैठने पहना करके खाना खाते ना, क्या बोलूँ जानते, तो वही वाला लिए है। तो अभी कपड़ा बाबू का भी देख लेते हैं, कोई कम प्राइस का मिलेगा तो इसका लिए 2-3 लेंगे। कल लेगा महीना से हम लोग को पार्टी में जाना है एक जगह, इसलिए आप लोगों को भी बने रही तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ जाना नहीं जाना है। तो अभी मैं भाई के लिए भी देखना और बाबू के लिए भी देखना है, एक एक जोड़ा ले लेंगे सोच रहे। और लड्डू के लिए तो बहुत सारा लेना है कपड़ा है ना लड्डू, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है मतलब बच्ची का। और यहाँ पर भी सुंदर इस साइड में भी लड़का लूँगा, बच्चा लड़का लूँगा। तो इसलिए आप लोग बने रही, अब क्या लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। अभी तो पहले इसी को लिए है, मैं भाई पकड़ा है तो मैं भाई के लिए भी लेना फ्रेंड, इसलिए बने रही है मैं ब्लॉग पे। दूसरा दुकान में आए हैं, जैसे तो छोटा मोटा दुकान में आए हैं, मॉल से भी लिया कपड़ा। तो वहाँ कपड़ा हम आप लोगों को दिखाएंगे क्या लिया नहीं लिया करके। और मैं बेटा का फीवर आ रहा है तो मेडिकल भी इधर से मेरा हेमोपैथी दिखाते हुए ले जाएंगे। तो मैं साक्षी में भी है झटकी लेकर जाएंगे, झटकी का दवाई इसको असर करता है। ले लीजिए उसके लिए, यहाँ पे कपड़ा बहुत सारा अपने बैग रुला दिया तुम बच्चा को ऐसे ठीक नहीं लग रहा, उसको तबियत आप तुम्हें वो रुला लाओ रुमाल उसका तो अच्छा नहीं लग रहा पता है, इसको रोना देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा। जिसको लेके जाएंगे वहाँ पर ना मतलब नहीं खुला हुआ था, मैं उधर से देखते हुए आया था तो नहीं खुला हुआ। अभी यहाँ से जाते हुए तो दिखा लेंगे बाबू को, बाबू के लिए कपड़ा है ये ले लीजिए थी कपड़ा है मेरा भाई यहाँ पे उससे प्यारा है। हम लोग फाइनली अभी पहुँच चुके हैं बाबू को लेकर हेमोपैथी। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम लोग तो सोचे थे बंद कहीं ना हो गया रहे थे, लेकिन बंद नहीं है खुला है। तो अभी हम लोग जाते हैं हेमोपैथी, बाबू का दवाई लेता। दीदी लोग आ रही है पीछे से और देखते दीदी, क्योंकि ना बच्चा का
बच्चा है ना फ्रेंड, तबियत फिर कहीं रात भर में ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है, और सांस में धाई 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 पानी गिर रहा है, नाक से नेठा बह रहा है, और आँख में थोड़ा ना पीछे बोलते ना पीछे बोलते नहीं पता, वो सब जम जा रहा है। तो हम अंदर जाते हैं, चलिए आपके कंटिन्यू में ब्लॉग तो बने रहिए फ्रेंड, जैसे होगा नहीं होगा सब हम आप लोगों को बताते रहेंगे। प्लीज़ लाइन भगवान से दुआ की जरूरत है, मैं बच्चा हमेशा सही सलामत रहे, किसी का भी पूरा नहीं जैसे पूरा मैं बच्चा कर। अभी वहाँ पे खड़ी है, तो अभी हम जा रहे हैं होम्योपैथी, यहाँ से एक बार लिया था दवाई तो बहुत सुंदर बहुत अच्छा था, जो मेरे बच्चों को एक बार में ठीक कर दिया था, तो अभी खुश आया दोबारा लेने के लिए दवा। तो यहाँ पर चप्पल से वो खोलना है, दीदी तो प्यूक हमेशा यहीं लेकर आती है ना दीदी, इसलिए बने रही फैमिली। तो हम लोग घर आ गए थे, घर आने के बाद सबसे पहले काम क्या हुआ पता है, कपड़ा चेंज किए, पैर हाथ धोए, उसके बाद बाबू को पिलाने लगे, और उसके बाद फिर हम जो इतना सारा आलू काटे एक बाटी, और फिर भी यहाँ पे चावल चढ़ा दिए, और फिर रात में दीदी डस्टिंग काम कर रही है बताइए, पोछा पोछी दरवाज़ा गेट वेट, तो बेड से चेंज किया, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दिया धोने के लिए, अरे नहीं भी बोलने से इतना सारा कपड़ा दीदी कल ने परसों से गिरा के नीचे में रखी समेटने के लिए, हम उसको दो बार बोले दीदी चलिए समेटेंगे समेटेंगे, बोले ठीक है बोले सो समझी नहीं, तो अभी हम जा रहे समेटेंगे, मैं समेट समेट कर देंगे, दीदी थाकी थाकी बना बना के अच्छे से रेज में सरिया कर रखेगी, तो हम सोचे चलिए हमें आप लोगों के लिए ब्लॉग बना दो, और आप लोग सब बोलिएगा मेरे को भी कमेंट करके कि जब बच्चा का पहले फीवर था तो मेडिकल मतलब उसको दिखाना चाहिए, उसके बाद शॉपिंग वॉपिंग करना चाहिए था, ऐसे उनका आप लोग बताइए बोलिएगा ना फ्रेंड। तो मैं बता दूँ फ्रेंड, मतलब कि बहुत लंबा जहाँ गया था हम लोग बाबू दिखाने के, वहाँ बहुत लंबा भीड़ होता है, और हम लोग का मतलब जो होता ना टोकन वाला टोकन जो नहीं मिला था, इसलिए फिर तो हम लोग बोले कि उधर से जब तक यहाँ पर खड़ा होते होते अच्छा है कि हम थोड़ा सा बाजार लेकर कहा जाए, और बाजार इसलिए किए कि वो बाबू का पकड़ गर्मी में मतलब पहनने का कपड़ा नहीं था, अभी इधर उधर जाना जाना आना जाना करना है, इसलिए बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था था, बट वो सब पुराना हो चुका जब हम पहना पहनी करके वो ख़राब हो चुका था, इसलिए फिर तो प्लीज़ हमें नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा, भेजिएगा अच्छी कमेंट कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे सुन करके या पढ़ के अच्छा लगे है ना फ्रेंड, इसलिए अपना कंटिन्यू ब्लॉग नहीं रहा है, मैं बेटा अभी ठीक है फ्रेंड, उसको दवाई वाई मिल गया खा लिया, तो इसलिए वो अभी ठीक है, सब वर्दी में जा कर खेल रहा है कूद रहा है मस्त है, तो सब आप लोग आशीर्वाद से वजह से अपना आ रहा है, आप लोग इतना प्यार है प्यार बेटा के लिए बोलते इसलिए फ्रेंड, तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे बेटा को इतना प्यार करते हो, इसलिए आप लोग ऐसे मैं ब्लॉग को बना रही हूँ, अभी दीदी क्या कर रही है। हाँ सर देख सकते दीदी यहाँ पर कपड़ा का भंडार लगा चुकी है, जो अभी ये कपड़ा सब सरिया सरिया के इसका अंदर में रखना, और यहाँ से कल चूहा बच्चा मिला है दीदी को, इसमें चूहा बच्चा यहाँ पर देख देना सोने की जगह, हाँ हम यहीं पर रात बिताएंगे फ्रेंड सो करके, तो चलिए हम जाते ऊपर चढ़ते ऊपर में सोते फिर। तो फैमिली तो कपड़ा पड़ा सा समेट गया है, और अभी हम जा रहे खाना खाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, और हम लोग साक्षी भी गया था ना, तो फ्रेंड हम लोग आने समय में दो समोसा खाए, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, तभी हम खाना खा रहे, जब तक खाना नहीं खाइए ना तब तक रात नहीं मिलता। हाँ आ रहे हैं, तो आज दीदी बनाई थी खिचड़ी और आलू चोखा, और था अचार, और था पोस्तों आलू का सब्जी, और था आम का अचार, आम की चटनी सॉरी, यही तक खाना है फ्रेंड। तो आज हम लोग सोएंगे पूजा रूम में, क्योंकि आज मेरे बेटा का फीवर आया था, इसलिए फ्रेंड ऐसे फीवर तो ठीक हो गया लेकिन फिर भी पूजा रूम में सोएंगे फ्रेंड, और अभी और कुछ कुछ कपड़ा सब जो सब बिगड़ा हुआ है, तो इसे भी अभी समटा जाए, तो दीदी बुला रही है खाना खाने के लिए, तब हम खाना खाने चलते हैं बाबू को ले करके, फिर मेरे बेटा को छोड़ेंगे, तो फिर मम्मी का तो बुलाई है, हम खाना खाने बैठे और चिल्लाएगा नहीं, ऐसे हो नहीं सकता फ्रेंड क्या ना, मेरा अभी भी मेरे गोदी में बाबू बट हम दिखा नहीं पा रहे फ्रेंड। यहाँ पे दीदी आज बनाई है माड़ भात, जो माड़ भात थोड़ी लग रहा है, ये तो गरम भात लग रहा है इतना तितका रहा है सब, फिर भी सबका बेचारा खा रहे हैं, अरे मैया क्या करे इसको बताइए, आपका तितका रहा नहीं हाथ तो चलिए फ्रेंड, तो गर्मी सीजन है यार गर्म लग रहा था ना दीदी, मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर ढेर सारे प्यार दीजिए, और प्लीज़ फ्रेंड आप लोग नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा, हमको पता है कि आप लोग यहाँ ब्लॉग देखने के बाद जरूर नेगेटिव कमेंट कीजिएगा, तो अब आप लोगों को ऊपर है, आप लोगों का जैसे अच्छा लगता है ऐसे कीजिए कमेंट, अच्छा कीजिए तो अच्छा कीजिए, नेगेटिव कमेंट नेगेटिव कीजिए पॉजिटिव कमेंट पॉजिटिव कीजिए, बस मेरा काम है ब्लॉग में डालने का, और आप लोगों को शेयर करने का, आप लोगों को बताने का काम मेरा काम आप लोगों को बता दिए, और कैसे मेरे को सही लगा मैं वो सब आप लोगों को बता दिए, मतलब आप लोगों को जैसे अच्छा लगता है आप लोगों से कीजिए, इसलिए फ्रेंड आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और कल जो शॉपिंग है कल आए तो क्या वो सब नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर दिखेगा, तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग को मेरे बने रही है, तो बाय बाय फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।